आरईएस विभाग में 50 करोड़ से अधिक राशि निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर पत्रकार भागीरथ चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में सरदारपुर तहसील के सभी पत्रकारों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि जिस मामले को उजागर किया गया उस मामले में प्रकरण भी दर्ज किया गया था, लेकिन जनपद पंचायत सीईओ शैलेंद्र शर्मा ने पंचायत कर्मियों के निलंबन की कार्यवाही करके मामले की इतिश्री कर ली, जबकि बैंक मैनेजर और धांधली करने वाले सरगनाओं तक जांच बाकी ही है। मेरा ये था कि आरईएस विभाग की मैंने मतलब जो ग्रेवाल रोड चल रहे हैं मुरम रोड, उसमें मतलब मैंने छानबीन करी थी, अभी 2 महीने से इसी में लगा हुआ था। उसमें कुछ तो जाप कार्ड नंबर फर्जी थे, नाम किसी और का और खाते किसी और के थे। उसमें मैंने मतलब जांच करी पैसे वैसे डालकर, तो भानगढ़ के मतलब कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30 से 35 के खाते निकले उसमें। पत्रकारों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि पत्रकारों पर जो हमला हुआ था उसको लेकर के आरईएस विभाग के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जाता है और फर्जी मस्टर रोल फर्जी जाप कार्ड के माध्यम से पैसा निकाला, शासन की राशि को निकाला गया है, जिसमें बैंक प्रबंधकों की भी मिली भगत है। जांच के दौरान सभी पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। जैसा कि विदित है कि पिछले 3-4 दिनों से आरईएस विभाग के कार्यों में हुई भ्रष्टाचारी को लेकर जनपद और जिला पंचायत स्तर से जांच की जा रही है, जिसमें कुछ ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार उजागर होने पर वहाँ के ग्राम रोजगार सहायक और जिन्होंने भी वहां फर्जी अकाउंट फ्रीज किए हैं उन पर कार्रवाई की गई है। उसी के संबंध में आरईएस विभाग में वृहद स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आज पत्रकार संघ तहसील सरदारपुर के द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है।